फिर कल मेरे को ऐसे भी ऑफ देना है। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये अपना अगला डिस्कशन है, हम लोग पढ़ ही रहे हैं अभी। पहला क्वेश्चन, ऑन जनवरी 2026 XYZ इश्यूज न्यू इंस्ट्रूमेंट्स विथ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फेस वैल्यू 100, इश्यू प्राइस 90, क्यूमुलेटिव डिविडेंड है तो लाइबिलिटी की कहानी बनती है 5% पर एनम फॉर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स अगर 10 साल कंप्लीट हो जाता है, डिविडेंड इज पेएबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इश्यूअर, आफ्टर 10 ईयर्स आपको इक्विटी बनाने का हक मिल जाएगा। द होल्डर हैज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इट इंटू ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 10 ईयर्स, अच्छा 10 साल के बाद ही उसको ये अधिकार मिलेगा कि वो कन्वर्जन भी ले सकता है, अगर कंपनी 10 साल के बाद पैसा नहीं देती है तब। आगे, एंड द कन्वर्जन विल बी 10 शेयर मिलेगा उसको, द होल्डर कैन डिमांड रिडेम्पशन एट एनी टाइम विथ 6 मंथ्स नोटिस अप अंटिल द एंड ऑफ 10 ईयर्स, माने होल्डर के पास पैसा मांगने का भी राइट है, तो कुल मिलाकर के लाइबिलिटी की कहानी बन रही है। आगे, कहां तक चले गए, हां, रिडेम्पशन इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इश्यूअर, ये कैसे लिखा फिर से पढ़ तो, क्या लिखा है, द होल्डर कैन डिमांड रिडेम्पशन फॉर द फेस वैल्यू एट एनी टाइम विथ 6 मंथ्स नोटिस अप अंटिल The end of 10 years, अच्छा after 10 years, ठीक है, after 10 years redemption is at the discretion of the issuer, ठीक है, there is no fixed maturity date, क्यों 10 years का तो कहानी fixed है almost, नहीं क्या, how should the instrument be classified by XYZ limited in the first 10 years in accordance with Ind AS 32, first 10 years में तो liability ही है, सारा कहानी liability का clear हो रहा है, cumulative dividend दे रहे हैं, होल्डर के पास ये अधिकार है कि वो पैसा कभी भी मांग सकता है। आगे, तो फिर वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में घुसा सकते थे अगर इक्विटी की कहानी बन रही है तो इसमें एज ए लाइबिलिटी का चॉइस है एक, तो हम लोग को उसी में जाना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, From the below list of instruments held by Swan Limited, March 2022, you need to identify the financial instrument which does not meet the contractual cash flow characteristic test. माने इक्विटी का फील है कि डेट का फील है वो चेक करना, याद है ना contractual cash flow characteristic test, डेट के केस में उसको पास होना जरूरी होता है, याद है ना। आगे, एज पर द प्रोविजन ऑफ Ind AS 109, वेरिएबल रेट इंस्ट्रूमेंट है, ओके नो प्रॉब्लम, डेट होते हैं आजकल वैसे, विथ स्टेटेड मैच्योरिटी डेट नॉर्मल है, दैट परमिट्स द बोरोवर टू चूज टू पे 3 मंथ लिबोर फॉर ए 3 मंथ टर्म और 1 मंथ लिबोर फॉर ए 1 मंथ टर्म, तो ये नॉर्मल होता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है, लिबोर आपको बताया था क्या होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है, तो बोरोवर को ये बोला गया है कि आप 3 महीना का लिबोर यूज कर सकते हो पेमेंट करने के लिए, नहीं तो 1 मंथ का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि एक वेरिएबल रेट इंस्ट्रूमेंट है और वेरिएबल रेट इंस्ट्रूमेंट भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास करता है, यही माना जाता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर फिक्स्ड रेट होने से तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रीपेमेंट का पूरा अमाउंट निकाल सकते हैं, पीवी निकाल के लाइबिलिटी को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे लिख सकते हैं, वेरिएबल रेट में आप लोग करते कैसे, मान लो मेरे को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट निकालना है तो हाउ डू यू डू, हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि क्या लिबोर होने वाला है, क्या हमको कैश फ्लो पेमेंट करना पड़ेगा, वो एस्टिमेटेड बेसिस पे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट निकलता है। लेकिन वेरिएबल रेट इंस्ट्रूमेंट को भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास करने वाला माना जाता है, अगर उसमें इक्विटी का गुण नहीं हो तो, ठीक है। अब आप ये भी पूछेंगे कि सर मान लीजिए आप एस्टिमेट किए वेरिएबल रेट को, अब वो तो बदल भी सकता है, तो सर फिर अगले साल क्या करेंगे, फिर से एडजस्टमेंट करेंगे, तो सर वो रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं कि प्रोस्पेक्टिव, Ind AS कुछ नहीं बोला उसको लेके, कुछ नहीं बोला, वो बोला आपके ऊपर है आप कैसे करते हो, तो हम लोग इसका अलग से सम भी नहीं बनवाते क्योंकि जरूरत नहीं है, इस बहुत बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। आगे, ए फिक्स्ड टर्म माने एकदम फिक्स्ड मैच्योरिटी है, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट बॉन्ड
वेयर वेरिएबल इंटरेस्ट रेट इज कैप्ड, नो प्रॉब्लम, ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ही है। आगे, ए फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विथ इंटरेस्ट रेट दैट इज रीसेट टू ए हायर रेट इफ डेटर मिसेस ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ पेमेंट, एकदम करेक्ट है। डेटर अगर डिफॉल्ट करेगा तो हम लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल क्या। लेकिन अगर यही लिखा होता इफ डेटर का प्रॉफिट इतना हुआ तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेंगे, डेटर का प्रॉफिट कम हुआ तो हम इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, तो उसमें इक्विटी का कैरेक्टरिस्टिक आ गया, तो फिर आप बोलेंगे नहीं ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फेल हो गया, वो कॉन्ट्रेक्चुअल है ही नहीं, परफॉर्मेंस बेस्ड हो गया। आगे, ए फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विथ इंटरेस्ट रेट दैट इज रीसेट टू हायर रेट इफ स्पेसिफाइड इक्विटी इंडेक्स रीचेस ए पर्टिकुलर लेवल, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है देखो तो, विच डज नॉट मीट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू एज टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैज टेकन ए लोन फ्रॉम द बैंक विच हैज ए डेट इक्विटी रेशियो एज वन ऑफ इट्स फिनेंशियल कंडीशन कोवेनेंट, एनी न्यू फंड रेज कुड हैव ए डायरेक्ट इंप्लीकेशन ऑन द कोवेनेंट एट ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, बिल्कुल अगर हम नया डेट रेज करेंगे तो डेट इक्विटी रेशियो भाग जाएगा। Therefore, the CFO wants to understand which amongst the following is an equity instrument. वो equity issue करने के लिए ready है, उसको पैसा चाहिए, वो debt issue करना नहीं चाहता management, क्योंकि debt issue करने से debt equity ratio में पंगा हो जाएगा, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा equity हम उसको issue कर लें, और सब में वो preference share capital issue करना चाहता है, तो preference share capital का main कैसे उसको equity बनाओगे, वो तो लाइबिलिटी होता है, तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करो, और डिविडेंड को बोलो कि भैया तुमको इक्विटी को जैसा डिविडेंड मिलेगा तुमको भी वैसा ही डिविडेंड मिलेगा, माने सब कुछ उसमें इक्विटी का गुण डाल दो, वो लाइबिलिटी हो नहीं पाए ऐसा बना दो, नहीं समझे, तो उस पर क्वेश्चन बना करके दिया है, पढ़ना पड़ेगा। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यस इक्विटी का गुण तो आया है, विथ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट मार्केट रेट, ये लाइबिलिटी का गुण आ गया, डिविडेंड का पेमेंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से करेंगे, तो ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, लाइबिलिटी भी है इसमें और इक्विटी भी है, उसको इक्विटी चाहिए लाइबिलिटी नहीं चाहिए। आगे, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल एट द ऑप्शन ऑफ द इश्यूअर, हम डिसाइड करेंगे, तो बाईबैक भी तो हम ही डिसाइड करते हैं, तो इसमें इक्विटी का गुण है। विथ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इश्यूअर, एकदम इक्विटी ही है सब कुछ, तो ये प्योरेस्ट इक्विटी है, और नहीं पढ़ने से भी चलेगा, बट फिर भी मेरे को पढ़ने का मन है। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर, ये तो खत्म ही हो गया, ये तो लाइबिलिटी है प्योर, खाली इसमें डिविडेंड के लिए डिस्क्रिशन ऑफ द इश्यूअर लिखा, अगेन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। प्रेफरेंस या रिडीमेबल एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर, अगेन लाइबिलिटी आ गया कहानी में, तो प्योर इक्विटी तो बी ही है, बाकी सब में किसी में प्योर लाइबिलिटी है और नहीं तो लाइबिलिटी प्लस इक्विटी है। आगे बोल, नहीं क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव नहीं लिखा, लेकिन अगर आप बोलेंगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड मार्केट रेट पे मैं करूंगा तो हम लोग तो यही मानेंगे ना आप करेंगे, उसमें बाकी ज्ञान और लिखने का जरूरत थोड़ी है, इसमें इससे क्या पता चल रहा है। अरे नहीं रे बाबा, विथ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट मार्केट रेट्स लिखा है, गजब कर रहे हो, उसमें कैसे तुम ये चॉइस कर सकते हो, ये नहीं कर सकते आप, एट द चॉइस ऑफ द इश्यूअर बोल देता तो मैं मान जाता। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी, एंटिटी ए हैज इश्यूड प्रेफरेंस शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स विच हैज, रेडी, सिमिलर वोटिंग राइट एंड डिविडेंड राइट एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू वन इक्विटी शेयर एट द टाइम ऑफ आईपीओ। अभी प्रेफरेंस शेयर इशू कर देते हैं,
बाद में जब आईपीओ आएगा तो तुमको शेयर दे देंगे। तो ये इक्विटी का गुण दिखा रहा है सारा, तुमको वोटिंग राइट भी देंगे, तुमको डिविडेंड का भी राइट सिमिलर देंगे, ये इक्विटी के जैसा बन रहा है स्टोरी। एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, इफ द आईपीओ डजंट हैपन बाय द एंड ऑफ सेवेंथ ईयर, देन द कंपनी विल हैव टू बाई बैक द शेयर्स फ्रॉम द इन्वेस्टर, विल हैव टू बाई बैक। लाइबिलिटी का भी कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर आ गया। आगे, द कंपनी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, इज कॉन्फिडेंट दैट आईपीओ विल हैपन इन 3 years, हाउ विल द कंपनी क्लासिफाई इट? आज के दिन का क्लासिफिकेशन क्या होगा? द आंसर इज लाइबिलिटी नहीं, इक्विटी भी नहीं, थोड़ा लाइबिलिटी भी है थोड़ा इक्विटी भी है। तो चॉइस खोजना होगा क्या लिख के दिया है। हाइब्रिड और कंपाउंड तो एक ही चीज है, नहीं समझे? तो ये तो रॉन्ग चॉइस सेट हुआ। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि भाई अपने हाइप कंपाउंड पे टिक लगा रहे हैं, बट हाइब्रिड एंड कंपाउंड आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन डिबेंचर्स, जिसका इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग है और एवरी मंथ रीसेट होता है, माइबोर प्लस 2 का 50% इंटरेस्ट आपको मिलेगा, हर मंथ इंटरेस्ट पेमेंट होगा और माइबोर प्लस 2 करके मिलेगा। क्लासिफाई द फिनेंशियल असेट एंड डिटरमाइन द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फॉर द अफोर्सेड इंस्ट्रूमेंट। अभी से कैसे कर दें? मेरा बिजनेस मॉडल टेस्ट अगर नहीं पता होगा, समझ पा रहे हो, तो हम कैसे कर दें इसको? यू गॉट द पॉइंट, हम क्या बोलना चाहते हैं? अभी से कैसे कर दें? नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट है, बेचने के लिए भी तो हम होल्ड कर सकते हैं, समझ पा रहे हो? तो ये रॉन्ग क्वेश्चन में डालूंगा मैं, क्योंकि बिना बिजनेस मॉडल टेस्ट के आप तो खाली कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक से ही बोल दिए ना, फिर तो आप समझ पा रहे हो। यहां पे उसने लिखा है फिनेंशियल असेट मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, हो ही सकता है फिनेंशियल असेट मेजर्ड एट एफवीटी ओसीआई विदाउट रिसाइकलिंग, ये वर्ड ही कहीं पे नहीं है। क्या रिसाइकिल होता है? हाँ हाँ, ये नहीं होता, कुछ भी हम सुने ही नहीं आज तक। फिनेंशियल असेट मेजर्ड एट एफवीटी विथ रिसाइकलिंग, छोड़ दीजिए, फिनेंशियल असेट मेजर्ड एट एफवीटीपीएल। तो ए और सी का चॉइस सिंपल है, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। सो दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट। विदाउट बिजनेस मॉडल टेस्ट आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैसे भी क्लासिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल असेट इज नॉट सब्जेक्ट टू इंपेयरमेंट। एफवीटीपीएल वाले को इंपेयरमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एफवीटीपीएल करके फेयर वैल्यू का लॉस को वैसे भी पीएनएल में डाल रहे हैं। तो आप चॉइस देख लो और बोल दो, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स मेजर्ड एट एफवीटीपीएल, लीज रिसीवेबल्स, पहला वाला ही है। लीज रिसीवेबल का तो अमोटा वो होता ही इंपेयरमेंट, डेटर ही तो है, डेटर का भी होता है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स का भी होता है, सभी का इंपेयरमेंट होता है, एफवीटीपीएल वालों का करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कितना नंबर पेज में पहुंचे हम लोग? 48। टोटल कितने पेजेस हैं? हाँ तो हो जाएगा, 6 ही तो और बचा, आज करके ही उठेंगे। चलो पढ़ते हैं, ये प्रैक्टिकल सम है, अच्छा लगेगा पढ़ के। एंटिटी सी अक्वायर्स एंटिटी डी इंड एस 103, फेयर वैल्यू ऑफ असेट 10 लाख, लाइबिलिटी 6 लाख, 4 लाख का नेट असेट, कंसिडरेशन पेड 5 लाख, गुडविल ऑन एक्विजिशन इज डिडक्टिबल फॉर टैक्स पर्पजेस, यू आर टू कंप्यूट द गुडविल टू बी रिकग्नाइज इन द बुक्स। खाली गुडविल के लिए पूछा है, बोल
हाँ, लेकिन देख, गुडविल इज डिडक्टिबल फॉर टैक्स पर्पजेस, होता नहीं है। हाँ, गुडविल का टैक्स इंप्लीकेशन यूज में ही नहीं आता है। हाँ तो ठीक है ना, कैरिंग अमाउंट और डिडक्टिबल, क्या नाम, डिडक्टिबल अमाउंट सेम रहेगा, अलग से डीटीए नहीं बनेगा, ठीक है। इवन इवन जानते हो बेटा कि गुडविल नॉन डिडक्टिबल होने से, गुडविल नॉर्मली नॉन डिडक्टिबल होता है, नॉन डिडक्टिबल होने से भी डीटीएल बनाना मना है। नहीं समझे, डिडक्टिबल अगर हो तो ऐसे भी कुछ बनाओगे नहीं, बिकॉज कैरिंग अमाउंट एंड क्या बोलते हो उसको, टैक्स बेस विल रिमेन दी सेम, क्योंकि आप गुडविल कैरी करोगे 1 लाख का, और 1 लाख का डिडक्शन भी आपको मिलेगा, तो देर इज नो डिफरेंस, तो उसका डीटीए नहीं बनेगा। लेकिन इवन जो इंडिया में वो डिडक्टिबल नहीं है गुडविल, तो टैक्स बेस 0 है और कैरिंग अमाउंट है, तो भी डीटीएल बनाना अलाउड नहीं है। सो 1 लाख इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, पीक्यूआर होल्डिंग ने बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए हैं, अकाउंटेंट हैज रिक्वेस्टेड टू आइडेंटिफाई कौन सा बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा। बहुत सारे ट्रांजैक्शन शेयर मार्केट में किया होगा रे, कौन सा बिजनेस कॉम्बिनेशन है। 30% इक्विटी खरीदे अनलिस्टेड कंपनी का, कंट्रोल तो नहीं आया होगा, कंट्रोल से देखते हैं। पीक्यूआर लिमिटेड परचेजेज 45% इंटरेस्ट, तो कंट्रोल तो नहीं आया होगा। विच गिव्स इट कंट्रोल ओवर टीआर लिमिटेड, तो कंट्रोल अगर आ गया तो फिर स्टोरी ओवर है, क्योंकि कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बीओडी से भी आता है और भी कई तरीके से आता है। पीक्यूआर परचेजेस वन ऑफ द मेनी ब्रांड, उससे कुछ होता नहीं है, कंट्रोल लाना पड़ेगा कंपनी के ऊपर। पीक्यूआर परचेजेस 30% इक्विटी एंड इन्वेस्ट इन डिवेंचर्स, तो क्लियर क्वेश्चन अच्छा नहीं बनाया, बट स्टिल चॉइस क्लियर है कि कंट्रोल जहां पे आएगा तभी बिजनेस कॉम्बिनेशन यूज में आएगा। लास्ट क्वेश्चन, पी लिमिटेड ने 95% शेयर खरीदा किसी कंपनी का, प्रॉफिट लिखा हुआ है। अच्छा, ये खरीदा है 1 अक्टूबर 2017 को, आगे मेरा प्रॉफिट 2 लाख का है होल्डिंग का, सब्सिडरी का 1.5 लाख का है। हाउ मच प्रॉफिट बिफोर टैक्स वुड बी शोन इन द कंसोलिडेटेड P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो सुनना, मेरा पीबीटी बोला है, पीबीटी माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बाद में दिया जाता है, पीबीटी कितना आएगा मेरे घर में, तो हम उसका आधा लेंगे क्योंकि मिड ईयर एक्विजिशन है, और मेरा पूरा लेंगे। तो 2,75,000 रुपया का पीबीटी आएगा, लेकिन इससे टैक्स माइनस होगा, उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भी प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो क्योंकि उन्होंने बोला हाउ मच पीबीटी विल बी शोन, तो द आंसर इज 2,75,000, नॉट 2,71,250। नहीं समझे, अगर वो बोलता कि प्रॉफिट अट्रीब्यूटेबल टू द पेरेंट कितना होगा, तब जाकर के हम वो आंसर कर देते कि 75,000 का 95% निकाल लो। वही मेरे को डाउट हुआ था तो मैं इस पर टिक लगाया था। आगे, हां, आदमी पहले ही कैलकुलेट करने लग जाता है, सेम हियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
पी लिमिटेड के पास 70% कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, पी ने गुड्स बेचा है 60,000 का एट कॉस्ट प्लस 20%, माने 1/6 मार्जिन है। एस के पास अभी भी आधा सामान पड़ा हुआ, यानी 30,000 का सामान पड़ा हुआ है, 30,000 का ना, तो 30,000 का 1/6 यानी 5,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। पी का टोटल इन्वेंट्री है 1,20,000 पेरेंट का, सब्सिडरी का टोटल इन्वेंट्री है 80,000, हम दोनों का मिला देंगे तो 2,00,000 है। हाउ मच इन्वेंट्री शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, 5 माइनस करके दिखाएंगे, तो 1,95,000 का चॉइस खोजो, पहला वाला। आगे बढ़ जाते हैं। इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पीक्यूआर एनसीआई को कहां दिखाना है, इक्विटी के अंदर, पर इक्विटी में अलग से, हां अदर इक्विटी के नीचे, पर इक्विटी के अंदर, लायबिलिटी में नहीं दिखाना है। तो अब खोजो ऐसा चॉइस कौन सा है। विथ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी रॉन्ग, इन बिटवीन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी रॉन्ग, लायबिलिटी में जाना ही नहीं है। विद इन द पेरेंट शेयर होल्डर्स इक्विटी ओके, विद इन द इक्विटी बट सेपरेट फ्रॉम पेरेंट शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये ज्यादा करेक्ट लग रहा है, क्योंकि शेयर होल्डर शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, फिर एनसीआई आता है, तो विद इन तो रहता है बट फिर भी अलग रहता है। अब देखो साला दोनों राइट लग रहा था, नहीं समझे, देन अगेन मोर राइट कौन सा है देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, क्विक बोल के कोई कंपनी है, क्विक शॉट, 30% शेयर खरीदा टिनटिन का, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को कंसोलिडेटेड में इक्विटी मेथड से लिखा गया होगा, एसोसिएट है बोल करके लिखा भी एसोसिएट है, अकाउंटिंग ईयर अक्टूबर का है, मार्च में खरीदे हम लोग, याद रखिएगा, और कोई इन्वेस्टमेंट एसोसिएट में नहीं है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अक्टूबर 2/30 का है, ये नेट प्रॉफिट एसोसिएट का है ना, देख लो तो, हाँ तो इसका आधा को हम लोग कंसोलिडेट करेंगे, इसका आधा का 30% ले लेंगे, 30% चेक कर देते ना कहीं तो, देखे थे हम। आगे इसने डिक्लेयर एंड पेड डिविडेंड किया 1,00,000 रुपया, 1,00,000 का 30% पूरा, 1,00,000 का पूरा 30% अपने कैश फ्लो में ले लेंगे, ठीक है। आगे नो अदर डिविडेंड्स वेयर पेड इन द ईयर, व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन द इनफ्लो, कैश फ्लो का समय, प्रॉफिट का नहीं है, ये फिगर देखने का जरूरत नहीं है, ये फिगर देखने का है, प्रॉफिट का बात जो कर रहे थे बेकार हो गया। इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्निंग फ्रॉम द एसोसिएट इन द कंसोलिडेटेड कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड, आंसर इज 1,00,000 का 30% हमको मिलेगा ना, तो 30,000 हम लोग अपने कैश फ्लो में दिखाएंगे, तो उन्होंने 30,000 का एक चॉइस हम लोगों को दे रखा है, एंड द आंसर इज डन डस्टेड। नेक्स्ट, ए लिमिटेड कंट्रोल्स एन एंटिटी बी ओनिंग 60%, फैंटास्टिक, 31 दिसंबर ईयर एंडिंग है, ओके, 6,000 रिसीवेबल में लिखा हुआ है गुड सप्लाइड टू ए लिमिटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं, पेबल ऑफ ए में 4,000 लिखा हुआ है, तो 2,000 कैश इन ट्रांजिट होगा, वो बोलता हम 6,000 पाते हैं, हम बोलते हम 4,000 देंगे, तो 2,000 हम दे चुके होंगे जो रास्ता में पड़ा होगा, लिखा हुआ भी देखो, ए सेंट ए चेक ऑफ 2,000 विच वॉज नॉट रिसीव्ड बाई बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट इन करेंट एसेट लाइबिलिटी इज करेक्ट, क्रेडिटर को 4,000 से गिरा देंगे, डेटर को 6,000 से गिरा देंगे, कैश को 2,000 ऐड कर देंगे, माने इस तरह का जर्नल एंट्री होगा, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, 2, 4, 6 खोजो। सी नंबर दिख रहा है साफ साफ, हाँ एकदम पूरा लिखा हुआ है, 6,000 रिसीवेबल से हटाओ, ये रहा,
4000 पेएबल से हटाओ, ये रहा, और इंक्लूड करो 2000 कैश में, तो ऑब्वियस हो गया। अब आया 5 नंबर क्वेश्चन। You are a finance manager of Vasar, a listed company which prepares consolidated financial statements as per AS. वो Ind AS मान के ही बनाते हैं। हाँ, आगे, the newly appointed managing director who is not an accountant reviewed the financial statements, जो कि publish होने ही वाला है। The MD had a query out of the review regarding exclusion of certain investments in subsidiary for preparing consolidated statements. जो temporary nature का investment होता है उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, याद है ना, कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिए हो, अभी बेचने ही वाले हैं उसको विद इन नेक्स्ट वन ईयर, तो उसको हम लोग कंसोलिडेट नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द एक्सक्लूजन ऑफ सब्सिडरी फ्रॉम कंसोलिडेशन? ए, एक्वायर्ड ए सब्सिडरी ऑन 1 अक्टूबर 2020, एक्विजिशन वॉज टेम्पररी इन नेचर एंड इट हैड बीन बॉट एक्सक्लूसिवली विथ ए व्यू टू सब्सिक्वेंट डिस्पोज। एकदम सेम चीज हिट किया यहां पे, तो हम बाकी का चॉइस पढ़ भी नहीं रहे हैं, और इसने बोल्ड भी कर रखा है। वो नियर फ्यूचर जो है ना, वो एक साल का टाइम पीरियड होता है। अगला चैप्टर 14, बाकी चॉइस हम पढ़े नहीं रहे हैं। तुम पढ़ रहे हो ऑप्शन डी, इफ द रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट वॉज एक्वायर्ड विद द इंटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डिस्पोजल इन नियर फ्यूचर बट कुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ ड्यू टू सम वैलिड रीजन, इट विल लेटर बी इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेशन। तो लेटर से होगा, ये हो सकता है। हाँ, आज के दिन के हिसाब से डी भी होना चाहिए, और कंसोलिडेट करना ही चाहिए, क्या नाम, एक्सक्लूजन करना ही चाहिए, डी भी हो सकता है। बट ए पूरा कहानी में पूरा सेट हो रहा है, ए एंड डी दोनों हैं, तो अगेन साला थोड़ा सा डी में कंफ्यूजन है, ए में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो ए को बेस्ट आंसर मान करके आगे बढ़ो। अब करेंगे क्या, ये अगेन रॉन्ग चॉइस सेट किया हुआ है। आइए, वट इज द पर्पज ऑफ इंड एस 101? ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम अडॉप्टर लोगों को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बता देना कि तुमको क्या क्या करना है, दैट इज द पर्पज ऑफ इंड एस 101। चॉइस हम देखना चाहेंगे इसका। टू प्रिस्क्राइब प्रिंसिपल्स फॉर फर्स्ट टाइम अडॉप्टर्स, ठीक है। टू प्रोवाइड एग्जेम्पशन, टू मैंडेट रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, टू ले डाउन ट्रांजिशन रिक्वायर, है सभी में, ये सब चीज है इंड एस 101 में, लेकिन पर्पज तो यही है भाई साहब। आगे, अंडर इंड एस 101 मेनली रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट होता है। कुछ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव माने बिगिनिंग से जाना पड़ता है, थर्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, पिछले साल को इंड एस कंप्लाई करना पड़ता है, करेंट ईयर को इंड एस कंप्लाई करना पड़ता है, ये बेसिक रूल है। 4-5 मैंडेटरी एग्जेम्पशंस है, 15-20 ऑप्शनल एग्जेम्पशंस है, सब इंड एस 101 में आप लोग पढ़ोगे। आगे, अंडर इंड एस 101 व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स दैट आर नॉट परमिटेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज असेट और लाइबिलिटी अंडर इंड, हटा देना पड़ता है। उसमें 4 R काम आता है, रिकॉर्ड, रिमूव, रीस्टेट, रिक्लासीफाई। मैंने एक थ्योरी बनाया 4 R थ्योरी बोल करके, 4 R मैच किया था वर्ड्स में, तो मैं बनाया था, बुक में लिखा है कि नहीं मेरे को देखने दो। इंड एस 101 पेज नंबर सेकेंड बुक में है ना, यही तो 4 R पॉलिसी है, हम साला हेडिंग में दे रखे, क्या बात करते हो। 127 ये पढ़ेंगे आप लोग, हाँ पढ़ लियो तुम, ओके। ये देख, बहुत सिंपल फंडा है, देखिए। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब हुआ जिन असेट को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए लेकिन ओल्ड एएस में रिकॉर्ड किया हुआ नहीं है,
इंडेस बोलता रिकॉर्ड करो तो हम करेंगे ना, थर्ड बैलेंस शीट बना रहे हैं, कर लेंगे रिमूव। इंडेस मना करता है एसेट होना नहीं चाहिए, पर तुम्हारे सिस्टम से लिखा हुआ है हटा दो, रीमेजर। इंडेस बोलता है इसका अमाउंट ये होना चाहिए, तुम्हारा दूसरा अमाउंट में लिखा हुआ है बदल दो, रिक्लासीफाई। नॉन करेंट होना चाहिए तुमने करेंट में लिखा हुआ, लाइबिलिटी होना चाहिए तुमने इक्विटी में लिखा हुआ, इक्विटी होना चाहिए तुमने लाइबिलिटी में लिखा हुआ है, रिक्लासीफाई कर दो। और सारा एडजस्टमेंट रिटेन्ड अर्निंग से होता है या अदर इक्विटी से होता है, चाहे वो रिवैल्युएशन सरप्लस वगैरह हो उससे होता है, करंट ईयर के पीएनएल में इंपैक्ट डाला नहीं जाता। ये सिंपल इंडेस 101 का बेसिक प्रिंसिपल है। तो लिखता क्या है देखो, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स दैट आर नॉट परमिटेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंडेस। आंसर इज उनको नहीं लिख सकते, या लिखा हुआ है तो हटा देंगे। दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज असेट लाइबिलिटी इन द ओपनिंग बैलेंस शीट। आंसर नो, नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते। दे शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, इट लुक्स करेक्ट। दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज फालतू चॉइस, कंटिंजेंट असेट और लाइबिलिटी इन द ओपनिंग इंडेस बैलेंस शीट लिखना होगा सर। दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज डेफर्ड असेट और लाइबिलिटी, नॉनसेंस क्वेश्चन है। क्या बोलता फिर से बोलो। वो तो बहुत सारा डिस्क्लोजर्स है, बहुत सारा है, पूरा वो भी देना पड़ता, रिकॉन्सिलिएशन कि शुरू में कैसा था एंड तक कैसा बना कहानी, वो भी देना पड़ता है। इक्विटी का पूरा रिकॉन्सिलिएशन जाता है, तो वो डिस्क्लोजर्स का बाप होता है वो। लास्ट, अकॉर्डिंग टू इंडेस 101 व्हेन शुड द अकाउंटिंग अंडर इंडेस बी अप्लाइड। नहीं, वो तीन कहानी बनती है। करंट ईयर में अगर आप अप्लाई करोगे तो पिछला साल में नेचुरल अप्लाई हो जाएगा कंपैरेटिव के लिए, और ओपनिंग बैलेंस शीट यहां पे अप्लाई करोगे, समझ गए। ओपनिंग बैलेंस शीट ये स्टोरी है। अब ढूंढो वो क्या चॉइस दिया है। प्रोस्पेक्टिवली नो, रेट्रोस्पेक्टिवली एट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन टू इंडेस यस, सेलेक्टिवली बेस्ड ऑन मैनेजमेंट जजमेंट नो, इन अकॉर्डेंस विथ इंडियन, बैड चॉइसेस। बट देन ठीक है ना, अपने तो पढ़ेंगे भी ये तो क्लास में। क्लोज करता हूं, इंडेस 101 इज ओवर। अरे बहुत सारा चीज को डेफरल अलाउड कर देता है ना एस में, हम लोग इंडेस में डेफरल अलाउ ही नहीं कराते। जैसे बहुत सारा है, जब पढ़ोगे तब तुम देखोगे। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब हुआ ऐसा चैप्टर जिसमें सारे इंडेस के क्वेश्चंस हैं। रिवीजन का चैप्टर है एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक असेट है जिसका कैरिंग वैल्यू 10 लाख है, रिवैल्यू किए 11 लाख में। एज ऑन 31 मार्च बाय क्रेडिटिंग द इंक्रीज टू रिवैल्युएशन सरप्लस, ओसीआई में डाल दिया बोल रहा है। बाद में इसको 12.5 लाख में बेच दिया गया। The amount taken to retained earning will be this 1 lakh rupees. ये 1 lakh rupees आप जानते हो कि revaluation surplus कभी भी PL में नहीं जाता। अब आप तुम खुद समझो, 10 लाख की asset थी, 11 लाख में revalue हुई, 12.5 लाख में बिका। ये जो 1.5 लाख का profit है ये तो P&L में जाएगा, लेकिन ये 1 लाख का profit P&L में नहीं जा पाएगा, ये retained earning में shift होगा, क्योंकि बैन किया हुआ है रिवैल्युएशन सरप्लस से कुछ भी चीज पीएल में नहीं जाएगा, यह क्लियर कट डिमार्केशन दिया हुआ है। नेक्स्ट, जतिन परचेजेस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड फंड्स दिस बाय इश्यूइंग बॉन्ड इन द मार्केट। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉपर्टी टू बॉन्ड एंट्री है। लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ द बॉन्ड इज डेजिग्नेटेड टू बी मेजर एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L। आपका मन आप कर सकते हो, आपको FVTPL पे मेजर करना है करो। द बॉन्ड हैज एन ओवरऑल फेयर वैल्यू डिक्लाइन ऑफ 50 करोड़ रुपया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, PL में भेज दो। आउट ऑफ विच 5 करोड़ रिलेट्स टू डिक्रीज इन द क्रेडिट
वर्दीनेस। याद करिएगा, फिनेंशियल लाइबिलिटी के केस में हम एक तो बात बोले थे, जब आप इंपेयरमेंट अकाउंटिंग करते हो या लॉस अकाउंटिंग करते हो और आपको पता चलता है कि वो, बोलने दो मेरे को, उसका एक तो नाम था, अभी साला नाम याद नहीं आ रहा है, वो अगर आपके, एक मिनट में उसका नाम खाली, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, माने बेसिकली वो अगर आपका क्रेडिट वर्दीनेस से कनेक्टेड रहता है, उसका प्रॉपर नाम मैं आपको यहां से ही दिखा सकता हूं, आज भूल गया मैं, तो उतना पोर्शन को ना ओसीआई में डालना पड़ता, उतना पोर्शन को आप पीएल में नहीं डाल पाओगे। क्या नाम था संपूर्ण, अगर तुमको नाम याद आ रहा है तो, लायबिलिटी के केस में वो चीज था एप्लीकेबल। हां, प्रॉफिट्स और लॉसेस एसोसिएटेड विथ चेंजेस इन द क्रेडिट रिस्क, ये रहा स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एफईटीपीएल लायबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द क्रेडिट रिस्क। सो एफईटीपीएल लायबिलिटी, सारा डिफरेंस पीएल में जाएगा, पर अगर आपको पता चलता है क्रेडिट रिस्क की वजह से लायबिलिटी बदल रही है, उसको ओसीआई में शिफ्ट करने का रिक्वायरमेंट है। पढ़ते हैं, वीन, ये बहुत माने इंपॉर्टेंट माना नहीं जाता है, तो आपकी नजर से उलट गया होगा, ये ध्यान भी नहीं होगा आप लोगों को, कि वी नो दैट एफईटीपीएल लायबिलिटीज आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, द डिफरेंस गोज टू पी एंड एल, बट इफ एनी पार्ट ऑफ द गेन और लॉस इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन द क्रेडिट रिस्क, देन दैट पार्ट विल बी रिकग्नाइज्ड इन द ओसीआई। तो बुक रीडिंग करने से होगा। संपूर्ण याद आया था ये वाला बात? हाँ, ये उसी तरह का पॉइंट है, इसको याद रखना बहुत मुश्किल है। तो वह बॉन्ड एट एन ओवरऑल फेयर वैल्यू डिक्लाइन इज 50 लाख, देख ले, विथ 5 करोड़ विथ 5 करोड़ रिलेटेड टू आर क्रेडिट वर्दीनेस, तो क्रेडिट रिस्क चेंज हुआ, उसकी वजह से लॉस हुआ, इसको पी एंड एल में नहीं डालना पड़ेगा, इसको ओसीआई में भेज दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, 50 करोड़ इन पी एंड एल, 50 करोड़ इन ओसीआई, 5 करोड़ इन ओसीआई, 45 करोड़ इन पी एंड एल, इसको उल्टा कर दिया, दिस वन इज द चॉइस। ये एक बड़ा क्वेश्चन बनाया है, आइए केयरफुली स्टडी करते हैं। लिखता है, ए लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है, वॉरशिप का कंस्ट्रक्शन करती है, हवाई जहाज बनाती है, वॉरशिप कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड प्राइस के बेसिस पे उसको मिलते हैं, कुछ कुछ वेरिएबल कॉम्पोनेंट भी होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का वेरिएशन, कॉस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स वगैरह का वेरिएशन अगर हो तो उसको पेमेंट मिलता है। जो फिक्स प्राइस का पेमेंट होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन, कुछ काम चालू किए तो कुछ पैसा मिलेगा, फिर कुछ मिलेगा, फिर कुछ मिलेगा, जैसे जैसे करते जाएंगे, इंजन लगा दिए, बॉडी लगा दिए, कलर कर दिए, वैसे वैसे पैसा मिलेगा। वेरिएबल कॉम्पोनेंट जो है वो एक्चुअल जैसा खर्चा लगेगा उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा, आपका जैसा लगेगा आपको मिल जाएगा। पेमेंट टर्म को फिक्स प्राइस पोर्शन के लिए लिखा है कि 10 से 12 माइलस्टोन में डिवाइड किया गया है, माइलस्टोन लिखा हुआ है, 10% आपको साइनिंग पे ही मिल जाएगा, पहला 10% आपको बिना किसी माइलस्टोन के साइनिंग पे मिल जाएगा, वो भी एक तो माइलस्टोन ही माना जा रहा है। जेस्टेशन पीरियड लंबा है शिप बिल्डिंग का, इनिशियल पीरियड आपको पैसा मिलता है और आपके पास टेम्पररी सरप्लस पैसा रहता है जिसको आप फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं। इस फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट इनकम पे क्वेश्चन है। हाउएवर बाद में आपको पैसों की कमी रहेगी, लेटर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन द कॉस्ट डिप्लॉयड, द कॉस्ट इनकर्ड विल बी हायर एंड पेमेंट विल बी लोअर एंड देयर विल बी नेगेटिव कैश फ्लोस, नॉर्मल है ना, बाद में आपका खर्चा बहुत बहुत लगने लग जाएगा। दस द इंटरेस्ट अर्न्ड इनिशियली ऑन द टेम्पररी सरप्लस कॉम्पेंसेट्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट फॉर द पीरियड ऑफ डेफिसिट कैश फ्लोज स्पेशली एट द लेटर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, नॉर्मल बात है। ए वॉन्ट्स टू चेक द प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड, आपको जो इंटरेस्ट का इनकम हो रहा है डिपॉजिट पे
उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डालोगे कि अदर इनकम में डालोगे? पीएनएल में तो दो ही क्लासिफिकेशन है, तो ये तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ ही नहीं ना, एफडी से कमाए हो ना। तो लिखता है टू बी प्रेजेंटेड इन अदर इनकम, टू बी प्रेजेंटेड इन अदर ऑपरेटिंग इनकम, आपके पास ऑप्शन है या फिर नेट ऑफ कर सकते हो कॉस्ट से, आंसर इज अदर इनकम है, इसमें कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और अकाउंटिंग तो हम नहीं करवा पाएंगे, वो आप लोगों को करना है। प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटीज, अभी अभी कंप्लीट किए हैं, आपको मजा भी आएगा इसका एमसीक्यू देख देख करके। चल पहला एमसीक्यू पढ़ तुम। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन रिलेशन टू प्रेशर टू ब्रीच द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? अगर आपके ऊपर प्रेशर रहा कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और आप उसको बचाएं कैसे भी करके, तो एक हुआ सकम्ब टू द प्रेशर, बेकार बात है। रेजिस्ट द प्रेशर एंड रिपोर्ट इट टू द हायर मैनेजमेंट, मैं मान सकता हूं कि ये राइट हो सकता है। अप्लाई द प्रेशर ऑन अदर्स टू एंश्योर द कंप्लायंस, आप उसको बेकार और राइट दोनों बोल सकते हो। इवैल्यूएट द लेवल ऑफ थ्रेट, याद कीजिएगा, एंड ब्रिंग इट टेक इट टू टेक द अप्रोप्रिएट एक्शंस, लेवल देख लो थ्रेट का, थ्रेट को एक्सेप्टेबल लेवल तक ले आओ। तो ये तीन तीन चॉइस यहां पे मेरे को राइट लग रहा था, दो को छोड़ करके, लेकिन ये एकदम एग्जैक्ट वर्डिंग्स है हमारी बुक का कि ब्रिंग इट टू द एक्सेप्टेबल लेवल, इवैल्यूएट द लेवल ऑफ थ्रेट। भाई थ्रेट भी तो रहता है कि थ्रेट कमजोर रहता है, ठीक है यार इस थ्रेट को तो चला सकते हैं। आगे, विच प्रिंसिपल एम्फसाइजेस टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन द प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इंटीग्रिटी से आता है, ये रहा इंटीग्रिटी, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, तो अगेन वर्ड से कहानी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट डू टू कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर? डिसक्रेडिट द प्रोफेशन टू रेज अवेयरनेस, फालतू चॉइस। फॉलो द रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, प्रोफेशनल बिहेवियर में यही वाली लाइन है कि लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, ये रहा देखिए, ये रहा प्रोफेशनल बिहेवियर, टू कंप्लाई विद द रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, और ये भी देखो, एंड अवॉइड एनी कंडक्ट दैट विल डिसक्रेडिट द प्रोफेशन। लिखता है डिस्क्रेडिट कर दो जा करके। प्रोमोट पर्सनल इंटरेस्ट ओवर प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन, इससे बढ़िया कुछ और अच्छा चॉइस देना चाहिए था। इनगेज और इन कॉन्डक्ट दैट मे कॉम्प्रोमाइज द बिजनेस रिलेशन, सर ये तो तकदीर ही खुलेगा तभी ऐसा चॉइसेस मिलेगा कि बिना पढ़े हुए भी कोई स्टूडेंट आंसर कर देगा इस क्वेश्चन को तो कम से कम। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टांस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलेटिंग टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्या स्टांस उसका होना चाहिए? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आर एक्सेप्टेबल इफ मैनेज्ड प्रॉपरली, मैं मानता हूं इस बात को, किया जा सकता है इसका आंसर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड बट कैन स्टिल कॉम्प्रोमाइज द जजमेंट, नहीं जजमेंट कॉम्प्रोमाइज आपका नहीं होना चाहिए, यह मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट, ये मैं मानता हूं। आगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आर अनअवॉइडेबल एंड शुड बी एम्ब्रेस्ड, नहीं सर एम्ब्रेस तो नहीं कर सकते। अब इसमें ए और सी में से कौन सा चॉइस है देखो, सी बेटर लग रहा है ऑब्वियसली ना, लेकिन ए भी हमको कमजोर नहीं लग रहा है। हाँ ये बात, क्या बोल रहा है? हाँ वही, मैं ए को हटा नहीं पा रहा हूं मेरे दिमाग से। आप लोगों को अगर सी ज्यादा एक्सेप्टेबल लग रहा है, ज्यादा करेक्ट, तो आई एम ओके। संपूर्णा से पूछता हूं,
हाँ वही एग्जाम में ए मार्क करते हैं, आप मार्क्स कट जाएगा क्या? हाँ मार्क्स ए एंड सी में नहीं। अब ये देखिए कुछ तो बात है ना, इन बच्चों को सी लग रहा है। अब मैं ना वर्ड खोजना चाहूंगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केसेस में। एक मिनट, नहीं तो प्रॉपरली तो मैं मैनेज कर ही रहा हूं भाई। थ्रेट को ले आऊंगा ना एक्सेप्टेबल लेवल तक। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से जो थ्रेट पैदा होगा उसको मैं एक्सेप्टेबल लेवल तक ले आऊंगा, तेरा क्या जाता है? ये देखिए ठीक है, आप लोग सी चॉइस करिएगा, बट ये राइटिंग है इंस्टीट्यूट का। ए सीए शैल नॉट अलाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू कॉम्प्रोमाइज द प्रोफेशनल जजमेंट। अपना ए और सी का मारपीट मच रखा है। ए बोलता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आर एक्सेप्टेबल इफ मैनेज्ड प्रॉपरली, और सी बहुत ऑब्वियस है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल एंड बिजनेस जजमेंट। ओ ये तो क्लियर लिख दिया यहां पे, देख वर्ड से ही आंसर है। मुन्ना संपूर्णा, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल नॉट अलाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल एंड बिजनेस जजमेंट। तो साफ तो लिखा हुआ ना, वही क्वेश्चन है। तो हम लोग हार गए, लेकिन लॉजिकली हम लोग फेल नहीं है। मतलब एक खराब चॉइस नहीं था अगर लॉजिकली जाते तो, बट वर्ड्स के हिसाब से सी में जाना पड़ेगा। ऐसे भी प्रत्यक्ष सी ज्यादा दमदार लग रहा था मेरे को, बट ए को मैं हटा नहीं पा रहा था। लास्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल इज वायोलेटेड इफ ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइजेस द प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिविटी, ये रहा देखिए ऑब्जेक्टिविटी नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। माना जाएगा आप अनऑब्जेक्टिव हैं अगर आपके प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो वर्ड्स पे ही क्वेश्चन डाला है, पांचों का पांचों क्वेश्चन। सो हम लोगों का एमसीक्यू का डिस्कशन कंप्लीट होता है, एंड इट वॉज अ गुड डिस्कशन। नहीं, एक रिविजन टाइप का हो गया अच्छा सा, और बहुत सारा चीज देखने मिला कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। सम ऑफ द क्वेश्चंस वेयर वीक, बट सम वेयर रियली रियली गुड। और दो क्वेश्चन अभी भी मेरे दिमाग का पेंडिंग है। कौन सा बोलो तो? इंप्लॉय बेनिफिट वाला तो तुम लोग भी ढूंढो कि क्या इंप्लॉई बेनिफिट के केसेस में जो इंटरेस्ट अराइज होता है क्या हम उसे फिनांस कॉस्ट में दिखाने की पॉलिसी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कहीं दिखा नहीं आज तक ये चीज, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं। फेयर वैल्यू वाला मैं देख करके आप लोगों को नेक्स्ट दिन बता दूंगा। उस क्वेश्चन में मुझे कुछ गड़बड़ गड़बड़ सा लगा था। ठीक है, सो फंटास्टिक, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूं, कुछ काम है मेरा। कल तुम लोग एक काम कर सकते हो, अपना कंसोलिडेशन वाली जो क्लास चला रहे हो अभी उसको कंप्लीट करते चलो। जिस दिन भी मैं क्लास नहीं लेता हूं तुम लोग वाली क्लास कर लो। सो अमेंडमेंट का सारा टॉपिक कंप्लीट होता है। टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर आप लोगों को बुक से एक बार इंस्टीट्यूट का बुक से पढ़ लेना है, और इलस्ट्रेशन भी वहीं बुक से पढ़ लेना है। ठीक है, बिकॉज उसमें मेरा एकदम भी एक्सपर्टीज नहीं है। वो जिस तरह की बात कर रहा है, ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंटेशन वगैरह, वो मेरा फोर्टे नहीं है। तो वो आप लोग खुद पढ़ लोगे, या कहीं से अगर YouTube वगैरह पे वीडियोस मिल जाएंगे, अगर पढ़ने से समझ में आ जाएगा तो फंटास्टिक, नहीं तो YouTube के वीडियो से कर लेना। ओके, सो वी टुक अराउंड 5 क्लासेस और 7-6 क्लासेस। इसका कितना क्लास किए टोटल? 4 की इसका 4 एमसीक्यू का 4 किए, और एथिक्स का 2 किए। टोटल 6 अमेंडमेंट का क्लास हुआ। फंटास्टिक, तो ये आप लोग का कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों को फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेरे को एक कराना है, और एक इंडेस 101 कराना है। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, है ना?
तो फ्राइडे मॉर्निंग मिलते हैं. गुड, थैंक यू.